ऋषिकेश एम्स के भीतर घुसी ये एम्बुलेंस नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी है जो कई मंजिलों से होकर गुजर रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच से बाहर निकल रही है। सोमवार को ऋषिकेश एम्स के भीतर पुलिस घुस आई। अस्पताल के चौथे मंजिल से होते हुए इमरजेंसी वार्ड तक पुलिस के सायरन बजते रहे। नजारा जिसने भी देखा हैरान रह गया। देहरादून पुलिस ने सोमवार को ऋषिकेश एम्स की इमरजेंसी वार्ड को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया। हालांकि अभी तक आपने किसी गंभीर मरीज के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनते देखा होगा, जिसमें यातायात को रोककर उस वाहन को अस्पताल तक बेरोकटोक पहुंचाया जाता है जिसमें ऑर्गन होता है। लेकिन ऋषिकेश एम्स में पहली बार ये हुआ कि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। अस्पताल के भीतर दाखिल हुई पुलिस की गाड़ी इमरजेंसी वार्ड में बेड हटाते हुए आगे बढ़ती रही और आरोपी को घसीट कर लाई। एक बार फिर से देखिए कैसे चौथी मंजिल से लेकर मरीजों के बीच से होकर गुजर रही है। मरीजों के बीच से होकर पुलिस की गाड़ी गुजरती रही और लोग खड़े देखते रहे। एम्स के भीतर पुलिस को छेड़छाड़ के आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को बाहर निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ा। दरअसल सोमवार को एम्स की एक महिला डॉक्टर ने अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर पर ऑपरेशन थिएटर में छेड़खानी का आरोप लगाया था। पुलिस तक शिकायत पहुंची थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी करने आई लेकिन डॉक्टरों की गुस्साई भीड़ उसे वहीं पर सजा देने पर उतारू थी। अस्पताल के डॉक्टरों में भी भारी आक्रोश था। ऐसे में एम्स प्रशासन ने भी पुलिस की ग्रीन कॉरिडोर बनाने में मदद की और आरोपी को सुरक्षित बाहर निकालकर थाने तक ले जाया गया। एक्चुअल में वहाँ इतना आक्रोश था कि जो भीड़ थी वो जो पीड़ित जो मुलजिम है मुलजिम को पकड़ के किसी भी तरह से मारना चाह रहे थे और ये भी एक बड़ा अपराध हो जाता। तो एम्स प्रशासन ने पुलिस को एस्कॉर्ट करके वहाँ ले गए ताकि उनको सेफ ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से बाहर निकाला जाए कि भीड़ के हत्या न चढ़े। ये है इसमें कोई एम्स प्रशासन के द्वारा ही एस्कॉर्ट करके ले गए। महिला डॉक्टर के साथ एम्स के ऑपरेशन थिएटर के भीतर छेड़खानी करने के आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन जमानती अपराध होने की वजह से उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को थाने से छोड़ने के बाद एम्स के डॉक्टरों में फिर से गुस्सा भड़क गया। डॉक्टरों की तरफ से कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है जबकि पुलिस न्याय संगत कानून का हवाला दे रही है। जो पीड़िता है इसमें जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है इनके द्वारा 21 को सूचना दी गई। उस पर तत्काल जो मोलेस्टेशन का है छेड़खाने का वो मुकदमा पंजीकृत हुआ और क्योंकि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ प्रकरण है और जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है उनमें भी आक्रोश था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। वो पुलिस के द्वारा फिर वहाँ की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उसको गिरफ्तार करके थाने पर लाए और उसके बाद क्योंकि 3 साल से कम की सजा का प्राविधान है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इसमें दिशा निर्देश दे रखे हैं कि इसको गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाएगा, तो लिहाजा उसी के निर्देशों के क्रम में उसको 41A का नोटिस देकर फिर थाने से छोड़ दिया गया था। वहीं इस घटना को लेकर एम्स के डॉक्टरों का गुस्सा गुरुवार को भी नहीं थमा। डॉक्टरों ने आरोपी नर्सिंग ऑफिसर की बर्खास्तगी की मांग करते हुए डीन ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों के विरोध के आगे आखिरकार एम्स प्रशासन को झुकना पड़ा। एम्स प्रशासन की तरफ से आरोपी को निलंबित कर दिया गया है लेकिन डॉक्टर्स आरोपी की बर्खास्तगी को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर सावन है। एम्स प्रशासन को हमारी सारी बातें पता होने के बावजूद उन्होंने हमें झूठे आश्वासन दिए और हमें जब उनके सामने हम जब सारी बात रखी उल्टा हमें धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और हमारी कोई मांगे नहीं सुनी गई अभी तक। हमारा सवाल इतना है बस कि अगर ये घटना हो गई है उसके 24 से 48 घंटे बाद भी हमारे प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन आधिकारिक तौर पे क्यों नहीं लिया गया है? हमें क्यों धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है? हमें क्यों बोलना पड़ रहा है? ये उनका काम था, ये उनकी चीज जानकारी, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि इस चीज को संज्ञान में ले और इसके लिए कार्यवाही करें। हम संडे की शाम को मेरी कलीग के साथ में ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक नर्सिंग अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया।
इन्होंने जब इसके रिपोर्ट फाइल करने की कोशिश की, इन्होंने तुरंत सीनियर नर्सिंग अधिकारी को बताया, उसके बावजूद 72 घंटे तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया। इन्होंने जब FIR फाइल करने की कोशिश की तो उन्हें दबाने की कोशिश की, ये बोला गया कि तुरंत FIR फाइल करने से केस वीक होगा, आप FIR फाइल मत करो। इन्होंने अपनी कोशिशों से अपने घर वालों को बुलाकर अपने कलीग्स की सहायता से FIR फाइल करी। उसके बाद में भी 300 धारा 354 के अंदर FIR फाइल होने के बावजूद अभियुक्त आज सड़कों पर खुला घूम रहा है, ऐसा क्यों है, हमें इसका जवाब चाहिए। प्रशासन की ओर से हमें इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना प्रशासन FIR में पार्टी है प्रशासन की तरफ, उल्टा हम लोगों को खाली एम्प्टी प्रॉमिसेस, लूज टॉक्स दिए जा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, अभी काम पे वापस चलो। एम्स प्रशासन का ये भी कहना है कि फिलहाल आरोपी को निलंबित कर दिया गया है। रही बात बर्खास्तगी की, तो इसका फैसला उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी ही करेंगे। इसके लिए एम्स निदेशक को भी पत्र लिखा गया है। अब इस मामले में आगे क्या होगा, इसका सभी को इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस ऋषिकेश एम्स की प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ती जा रही है, उस एम्स में महिला डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में हुई छेड़खानी की घटना ने उसकी साख को बट्टा लगा दिया है। यही नहीं, ऋषिकेश एम्स के ही दो डॉक्टर को 3 दिन पहले पुलिस ने सॉल्वर गैंग के लिए काम करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे लेकर भी खूब आय तौबा मची थी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।